हरे कृष्ण। सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पता नहीं है वीडियो कब रिलीज होगा, लेकिन आज एकादशी है। और यहाँ बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि जो हम ब्रज में सेवा कर रहे हैं एकादशी पे, तो क्या एकादशी का प्रसाद हम देंगे? जी हाँ बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है कि एकादशी हो और हम एकादशी का प्रसाद ना दें। दिखाते हैं कि एकादशी में हम क्या बना रहे हैं। ये सवा के चावल की खीर बन रही है। सवा के चावल व्रत के लिए खीर की खिचड़ी। खिचड़ी खिचड़ी बन रही है ना। खिचड़ी आप लोगों के मुंह में गलत पानी लेकर आ रहे हो। खीर बोल रहे हो, मुंह में पानी आएगा खीर का, बाद में खीर निकलेगी। कल बनी थी ना खीर, बाकी खीर निकलेगी नमकीन, तो मानी पानी खट्टा हो जाएगा सारा। कल खीर बनी थी ना, नमकीन पानी हो जाएगा। कढ़ाई में पानी चल रहा है। अच्छा, बॉल करने के लिए आलू कट रहे हैं। चिंदा नमक यूज करना, ठीक है? चिंदा नमक रखा है वहाँ पर। तो आज सबके लिए एकादशी का प्रसाद, हम प्रयास कर रहे हैं सबको प्रसाद देने का। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ जहाँ पर कीड़ी और पूड़ी बन रही है, जहाँ पर पूड़ी और खीर बन रही है, कीड़ी और पूड़ी नहीं बन रही। और जो मेरी दूसरी टीम है, हमारी दूसरी टीम है, यानी नंदरानी और नीलेश, इस वक्त पे रशियन वेस्टर्न डिवोटीज को पम्पकिन सूप और वेज पुलाव राइस दे रहे हैं। और यहाँ पर दिखाता हूँ हमारी पूड़ियाँ बन रही। तो जी खीर तो बहुत मस्त बनी है, पूड़ी भी एकदम मजा आ गया खा के, एकदम जबरदस्त। देखने से ही मन कर रहा है आपका। अरे मैं खा लिया, अले हम वेट करने वालों में से ना है। सब्जी थोड़ी बनी, बिल्कुल सब्जी बन चुकी। नेकी और पूछ कोई बर्तन मंगवा। ये हमारे राधा वल्लभ जी हैं। अरे प्रभु जी क्या बात है, आप सेवा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी है, मजेदार। वो देखिए उनकी टीम के बाकी लोग, प्रभु जी मुस्कुरा रहे सामने को। होगा एक से भले दो, दो से भले तीन, अब जाकर सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में है, क्योंकि ज्यादा लोग हैं हेल्प करने के लिए। पहले हम अकेले थे, गलत नंबर मिला, अच्छे से काम नहीं हो रहा था। अभी फट करके हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्रसादम, क्योंकि पैरेलली काम हो रहा है। अभी हमारी एक टीम सी है जो 100 लोगों तक प्रसादम बांटने गई है, उनकी फुटेज भी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ पूरी आप 35 के हिसाब से आप ले लो जाके। आज खीर है ना इसलिए थोड़ी कम क्वांटिटी है, चलो लेकिन सबके मुंह लग जाए। रूटीन है उसको हम एक जगह को नया एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, तो वो रिदम टूटनी नहीं चाहिए अपनी, मतलब ये है ना। चलिए आप ले लीजिए वहाँ से, ठीक है? ले लो। ओके भाई, ये देखो जी हमारी टीम का लंच टाइम हो रहा है। राधा वल्लभ जी, आपने बर्तन खरीद के देने हैं मेरे को आज ही? चलो ठीक है। कैसी बनी खीर? बढ़िया ना, मैंने बनाई है, आनंद आया, अच्छी बनाई खीर मैंने। नीचे छांव में देखा फिर महादेव जी, ये तो बाहर का खेल है हमारे। कोई नहीं, ये देखो कोरोना में क्या हो रहा है, लॉकडाउन में क्या हो रहा है। पतंग दिखेगी कि नहीं दिखेगी? दिख रही है आप किसी को पतंग? नहीं दिख रही, क्या पतंग उड़ाई जा रही है? ये है दादू नानू। उड़ गी कहाँ जा रही? ओ वाह जी वाह। अ बिग हरी बोल फॉर मृदुला फ्रॉम US। In the past also she has supported for so many other activities, and this time she has sent her donation, her contribution for Kheer and Puri Prashadam for Brajwasis. She wanted to distribute Kheer and Puri Prashadam to all the Brajwasis. So we are distributing Kheer and Puri Prashadam today, and so lots of love and blessings to your brother Pushkar also. Hari Bol! ये बन रहा है स्पेशली फॉर वेस्टर्न डिवोटीज, और ये इंडियंस को पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मसाला बिल्कुल नहीं डलता, इसमें सिर्फ काली मिर्च वो भी थोड़ी सी और नमक, और ज़्यादातर मतलब जो करुणा किचन है बहुत फेमस है। सॉरी मैंने भी खाया, तो मैं ये कह रहा था करुणा किचन बहुत फेमस है, यहाँ पर इस तरह का खाना बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाते हैं। वेस्टर्नर्स बहुत आते हैं यहाँ पर और इंडियंस भी आते हैं, मेरे जैसे आते हैं, तो मैं इनको बोलता हूँ थोड़ा मसाला वसाला मार के दो। आ हाँ थोड़ा सा बुरा लगा इसलिए क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज भी थे जो वेट कर रहे थे प्रसादम की, और वो टाइम पे नहीं मिल पा रहा उन सबको, क्योंकि हम निकले तो सुबह के हुए हैं लेकिन सब तक पहुँचते पहुँचते देर हो जाती है। और
समा पता नहीं अभी क्या हुआ कि गाड़ी की जो पीछे डिक्की है वो भी नहीं खुल रही, तो उसमें हम कंटेनर ज़्यादा नहीं रख पा रहे और हवा भी भरवाने के लिए गाड़ी में कोई नहीं मिल रहा, तो गाड़ी में हवा भी नहीं है। और सो अभी कुछ डिवोटीज से उनको हम देने गए और उनके पास हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे पहुँचते, अभी 2 बजने वाले हैं, तो उनके पास पहुँचते में हम लेट हो गए और उसके बाद वो लाइन लगा कर खड़े हुए थे, सब बहुत वेट कर रहे थे कि हम उनको कुछ देने वाले हैं। और जब लास्ट के कुछ 4-5 रह गए तब हमारा सूप जो था वो ख़त्म हो गया। हमारी गाड़ी में अभी 2 ही कंटेनर थे जो सूप के आ पा रहे थे, और कल को 2 सूप जो थे वो पूरे हो गए थे, मतलब बच ही गया था थोड़ा सा। लेकिन आज जब हम लास्ट ग्रुप तक पहुँचे और वहाँ पे हमारा जो लास्ट कंटेनर था वो पूरा ख़त्म हो चुका था, और फिर भी अभी कम से कम 30-40 लोग जो हम बचे थे, तो फिर हमने उन्हें बोला प्लीज़ वेट, और हम फिर अभी कंटेनर जो है दोबारा से रिफिल करके लेके जा रहे हैं। आई होप कि वो वेट कर रहे होंगे अभी तक। अब शाम को उनको खीर मिलेगी तो आई रियली होप कि उनको थोड़ा अच्छा फील होगा, नहीं तो आज बहुत ज़्यादा वेट करवाई हम सब ने। Devotees have service with you. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna. Are there more devotees coming, Prabhuji? Eh? Are there more devotees? 2. And can you get a deep, this bowl for this? Bowl. Okay, I'm waiting. Hari bol. थोड़ा confusion हो गया, हमने group पे भेजा कि इनको खीर चाहिए, लेकिन किसी का reply नहीं आया, तो इसलिए हम खीर नहीं लेके आए। I told you, खीर सब खाते हैं। चलो देखते हैं अगर इवनिंग में होगा तो लेके आएंगे। Also we have two. के लिए ज्यादा के लिए नहीं है क्योंकि इसलिए डेढ़ डालो बस। महेश पबजी फ्रॉम साउथ इंडिया, वेरी गुड डिवोटी, ही फीड्स ऑल द डिवोटीज। He feeds all the devotees around Vrindavan during Kartik month, but now even though Kartik month has gone long time ago, during this coronavirus situation, pandemic, he's been serving, making prasadam here in his kitchen. लेकर निकलते जाओ हाँ। और रखकर दोबारा नहीं आना है। हाँ।
पीछे पीछे क्योंकि सबको मिलना चाहिए पीछे, ना पीछे हरी बोल जब हम प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे तो बहुत सारे ब्रजवासीज हमें मिले और वो बोल रहे थे कि क्या है प्रसादम में. हमने बोला खिचड़ी राइस ये सब है क्योंकि यही हम बना पा रहे थे टीम के हिसाब से. तो उन्होंने बोला कि रोटी नहीं है, प्लीज किसी दिन रोटी ला दो क्योंकि रोटी से ज्यादा देर तक पेट भरा रहता है. तो हम तब से सोच रहे थे कि हम कैसे 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 करें, लेकिन आज हमारी टीम जो है वो बड़ी हो गई है थोड़ी सी, तो इसलिए हमने सोचा चलो हम रोटी बनाते हैं. और आप हमारी टीम में है नाम भक्ति पापा मम्मी और दो लोग और है जिनके कारण हमारी जो स्पीड है ना बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है. वो है दो बच्चे हरी वो हरी चरण हरी वो हरी वो और ये बहुत अच्छी रोटी बना रहे हैं. मजा आ रहा है. अभी हम चपाती बना रहे हैं सारे ब्रजवासी के लिए. तो ये देखो हमारे साथ बोलो ये देखो वो काम आ रही है यहाँ पे. देखो हरिचरण भी रोटी बना रहे हैं. हरिचरण लुक अप. जगन्नाथ भी रोटी बना रहे हैं. और ये देखो मम्मा गोल गोल ये पापा लगा रहे हैं घी. हरि बोल हरि बोल. और ये नाम भक्ति तीन तीन तवे के साथ डालने हरि बोल. बच्चों अभी हमारी रोटी बनी है 100 और हमने बनानी है सिर्फ 1500. इजी 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 यार भी इजी. नाम भक्ति आता है कुंडली है. और यहाँ पर कितनी रोटी बन गई है पापा? पापा 170 और हमने बनानी है सिर्फ कितनी आ रही 300. पापा पापा इधर आओ इधर आओ. वाह पापा इधर आओ. आपको मालूम है ये वाली लास्ट वाली ना मैंने बनाई है. अच्छा जी वो मैंने बता पैन में डाली है मुंबई में. सारे मिलके बना रहे हैं. हां जी पापा जी सारे मिलके बना रहे हैं. ये पूरी गोल बनी है बेटा. ब्रजवासीज की सेवा कर रहे हो? यस. पता आपको भैया देखो पूरी गोल. 10 दिन हो गए हमें. मेरे को एक्चुअली ध्यान भी नहीं है ना, मुझे डेट याद है ना मुझे डे याद है, इतना भागम भाग चल रही है. पर 10 दिन हो गए हैं शायद और भगवान की कृपा से 10 दिन के अंदर अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में. फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान की कृपा से हम तीन टीम्स बन चुके हैं अब तक. हम हैं टीम ए और उसके बाद टीम बी जो कि विप्लव प्रभु हैं जो हमारे काफ़ी सारे ब्रजवासी के साथ मिल के टट के लगे हुए हैं, है ना. और उनकी टीम में देखा जाए तो सारे क्वालिफाइड अलग अलग प्रोफेशन से हैं, बट सारे इस वक्त पे पूरी मेहनत कर रहे हैं. और उनका हर्षोल्लास देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी भी ब्रजवासी में वो होती है, झील होती है सब करने की. फिर हमारे पास टीम सी है. टीम सी तो कृपा हो गई, अचानक से मेरे को रास्ते में चलते हुए प्रभु जी मिल गए. वो मुझे याद कर रहे थे और मैं चाह रहा था कि कोई ऐसा इंसान मिले जो कि हमारी टीम को एक्सपैंड करके और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सके. क्योंकि प्रॉब्लम भी आती है, भूख तो सुबह इंसान को लगती है एक टाइम में. अब 10 बजे खाना तो एक गाड़ी से हम एक ही जगह पर जाकर दे सकते हैं, तीन तीन जगह पर जाकर तो दे नहीं सकते. वैसे तो वृंदावन में बहुत सारी संस्थाएं और भी हैं जो बहुत अच्छे से प्रसाद हम बांट रही हैं, शायद हमसे भी अच्छे से बांट रही हैं. पर हमारा जो अपना खुद का एक पर्सनल मतलब टारगेट है कि हाँ भाई जितने ज़्यादा लोगों को प्रसाद हम दिया जा सके दिया जाए, तो उसकी वजह से हमें टीम सी मिल गई. और गोपाल गौ सेवा रक्षक ऐसे उनकी मेरे को भी याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. उनकी ट्रस्ट है जो उन्होंने अभी शुरू करी है, तो वो टीम सी अब मिल गई. तो हमारे कुछ जगहों पर पैरेलली खाना प्रसाद हम बांटा जाएगा. सो आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच कृष्णा फॉर सेंडिंग सो मच हेल्प सो मेनी पीपल एंड वी आर हैप्पी टू सर्व. इसको बोलते हैं रास्ते में कभी कभी टक्कर हो जाती है हमारी टीम सी. हैं इधर आओ बैनर दिखाओगे यहां पर आप बैनर भी दिखा दो गैलरी गोपाल सेवा गोपाल गौ सेवा सोसाइटी. क्या मैं आज रास्ते में मिल गया तो मुझे क्या चीज़ आपका डॉक्टर जी ये अभी सब जो आप राइस और सांभर प्रभ जी फ्रॉम साउथ इंडिया. ओहो मुंह में पानी आ रहा है आपको पास्ता है. तेरा आदमी टोटल है
कितने मुझे बताते रहना। हम रात को भी कोशिश करें सेवा देने की। और यहाँ एक हमारा छोटा सा रॉक स्टोर, अरे बढ़िया है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे तेल, हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा, ऐसे ऐसे बोलो, हरे कृष्णा, ऐसे दो, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।